हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। दिस इज सिंगर मदर। चल रही है वट सावित्री की तैयारियाँ। यहाँ हो रहा है मेरा मेकअप शेक। आदि को जल्दी हो रही है तो मुझे जल्दी जल्दी तैयार हो रहा है। मैं लाइनर नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ मस्कारा और काजल मिलती हूँ। सिंपल है और ये मैंने पोनी क्यों बांधी है वो आपको पता चलेगा थोड़े देर के बाद। अभी चल तो किचन का देख लेती हूँ, सारी चीज़ें पैक कर लेती हूँ, फिर आपको टेरेस पर मिलती हूँ। ये बालों में लगा रही हूँ मैं, क्योंकि कहते हैं बरगद के पत्ते को गहनों की तरह पहनना चाहिए, माला बना के या माला बना के या फिर सर में क्लिप बना के मैंने पहन लिया। बहुत ज़्यादा हवा है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है पूजा में, लेकिन ठीक है। और फिर ये काले चने बहुत ही ज़रूरी होते हैं भिगोए हुए माता जी को, बरगद जी को, सबको चढ़ाने के लिए ये बहुत ज़रूरी होते हैं। और ये घर में बनाया मैंने प्रसाद, जवे हमारे यहाँ बोलते हैं, सेवई भी बोलते हैं मीठी। और एक ही पेड़े भी लेके आए हम, इसे खोलती हूँ बाद, साथ साथ ही श्रृंगार जो चढ़ाते हैं तो इसमें से कपड़ा तो ये मैं इसमें रख देती हूँ श्रृंगार। अरे पैन रह गया नीचे, बीनी रह गई, बीनी उसको बोल दो दे देगी ना। तो श्रृंगार जो हम किसी ब्राह्मण को दे देते हैं ये वो है, तो इसमें से मैं सात चीज़ें निकाल दूँगी, जैसे ये बूंदी और सिंदूर, ये सब तो इम्पोर्टेंट होता ही है। इसको रख देते हैं, दो हो गया ये बैंगल्स, तीन नेल पेंट, चार आईलाइनर, पांच और ये ये काजल, छः राइट। और ये है मेहंदी, ये हो गया सात। ऐसे पांच मिनिमम, पांच और मैक्सिमम तो आप जा सकते हो 21, 51, फिर ऐसे भी जा सकते हो। तो ये हो गया सात चीज़ें, साथ साथ इन पे सब पे मैं श्री गणेश जोड़ों से सब भगवान का नाम लिखूंगी, आपको बताती हूँ। और ये फल है पांच, तो ये भी रख देते हैं बरगद भगवान जी के आगे, ठीक है। इन सबको थोड़ा पीछे कर लूँ क्योंकि मुझे राउंड्स लगाने हैं इधर। ये मैंने ठीक है एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये पांच पत्तों में भगवान जी के नाम लिखे हैं जोड़े से, सिर्फ श्री गणेश जी का अलग से लिखा है। हर पूजा में श्री गणेश जी को पहले याद करना होता है इसके लिए, उसे सत्यवान सावित्री लक्ष्मी नारायण और उसने शिव पार्वती और सीताराम, तो ये जोड़े हैं हमारे, उनको मैं अब जल्दी पहले तो वट वृक्ष को करेंगे जल्दी बाकी है ही बहुत ज़्यादा। कहते हैं कि सत्यवान, आई थिंक जो सत्यवान जी के जो यमराज के पास जब प्राण लेने के लिए संकल्प किया था सावित्री माँ ने, तो चने शायद वो खाती थी और चढ़ाया भी था, ऐसा कुछ कहानी है। और ये ऑरेंज सिंदूर है, इसका भी बहुत महत्व है, ये भी चढ़ा देते हैं। और अपने मांग में भी ये भर लूँगी,
क्योंकि सीता माँ यही वाला कलर का सिंदूर लगाया करती थी, तो ये कलर के सिंदूर का इम्पोर्टेंस बहुत है, नाक तक लगाएंगे। यहाँ जिस जगह की मैं हूँ यानी कि मेरा ससुराल है, वहाँ पे नाक तक सिंदूर लगाते हैं, तो मैंने लगा लिया है। ओके, अब हम चढ़ाएंगे फल। तो ये फल मतलब 5 फल लिए मैंने, ये चढ़ा रही हूँ मैं प्रसाद की तरह। संतरा सबको चढ़ा देंगे, केला और आम लवली चढ़ा रही हूँ मैं, 5 हो गया। और ये सिंगार का सामान है, 7 सिंगार है ये, ठीक है। इसको इस पे रखेंगे हम बीनी पे। चढ़ाना रह गया, पेड़ा को चढ़ा देते हैं। श्रृंगार का सामान है, इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। ये हम देंगे ब्राह्मण को। और ये हम अपने घर के लिए रखेंगे। इसलिए पत्ते भी जो है ना इसी पे रखने होते हैं, बट कोई बात नहीं, कर लिया तो अब वहाँ से वहाँ हवा है, मतलब बेसिकली इसके लिए उसके नीचे अड़ाया है, बाकी इस पे रखना होता है। पेड़ भी चढ़ा देंगे तो भगवान कैसे कीड़े ना आ जाए इस तरह से। 7 बार घूम रही हूँ क्योंकि तो सूर्य देव जी को जल अर्पित कर रहे हैं। देख रहे हो हवा, देखो आदित्य देवाय नमः, ठीक है। एक तो हो गया ये, अब हम सारा देखेंगे। अभी दिया नहीं जल पाया तो रात को ट्राई करेंगे। वट वृक्ष को तो यहीं पे रहना है, बाकी सब चीज़ें लेके जा रहे हैं हम घर पे, और फिर धुलेंगे आदि महाराज जी के पांव, ठीक है। और उसके बाद आदि जाएंगे, प्रस्थान करेंगे आदि अपने कार्यालय की ओर। कार्यालय और नहीं बोला ना, कार्यालय हम दे देंगे आदि के ब्रांच में है सीता मैम, सीता जी, सीता माँ, क्योंकि वो एक ब्राह्मण है, सुहागिन भी है, तो उनको देंगे, बहुत बेस्ट है। हम भी ब्राह्मण हैं लेकिन जब ऑप्शन है तो फिर दूसरे को ही देंगे ना। सो दोस्तों, मैं ताना भूल गई कि सेम डे ही हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी, और ये इन लोगों ने सरप्राइज दिया था आदि के बैंक के कोलीग्स ने, और केक लेके आए थे। बस हम काटने जा रहे हैं, आप भी देखिए। Sir told gift to my daughter.
सबने इतने अच्छे से हमारी एनिवर्सरी मनाई, उसको एंजॉय करके हम घर आ गए और यहाँ पे पापा बेटी की मस्ती चल रही है। बेटी यहाँ पे इतना सारा पड़ा है फिर भी दे रहे हैं, नहीं मुझे डांटती है। आपका ये दोनों ना गंदा मत कर आद्या बेटा, गंदा हो रहा है सब ये सर दबाओ ना, किसी नहीं है ऐसे ऐसे दबा दो, पापा को दर्द हो रहा है ऐसे ऐसे दबा दो बेटा, हाथ से दबाओ, हाथ यहाँ से दबा दो पापा का, ऐसे 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 दबाओ दबाओ, ये क्या सूंघ रही है बालों में, दबाओ ना बेटा, हाँ ऐसे ऐसे बस इसी तरह से ब्यूटीफुली हमारा ये दिन बीता। और आप सब हमें भी ब्लेस कीजिए जो हमसे बड़े हैं, हमसे छोटे हमें प्यार कीजिए और ब्लॉग को देखते रहिए, शेयर करते रहिए। लव यू ऑल, जय माता दी।